हाय गाइस, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सबका नए ब्लॉग में और होप सो सब ठीक होंगे। अभी आपने देखा मैं टंगा हुआ है बैग मेरे पीछे। अभी जा रहा हूँ मैं मंदिर में। यहाँ पे एक गांव है, उसमें मंदिर है, उसमें जा रहे हैं। एक्चुअली आज है मावस का दिन और मावस के दिन हम अपने पूर्वजों के लिए हर जो मावस होती है हर मावस को अपने पूर्वजों के लिए कुछ खाना बनाते हैं और फिर उसके बाद उसे मंदिर में दे के आते हैं और जोत भी लगा के आते हैं पीपल आदि पे। तो जोत और सारा कार्य तो मम्मी जी और नेहा कर देती हैं, पापा जी कर देते हैं, तो पर जो खाना दे के आना होता है वो मैं दे के आता हूँ बेसिकली। तो चलो चलते हैं, मंदिर की सैर करवाते हैं आपको थोड़ी। तो थोड़ी आगे आ गया हूँ, अब रास्ते में हूँ और चलने लग रहा हूँ। देखो कैसे हरा भरा एरिया है, वैसे साइड साइड में पूरा का पूरा। तो बाल भी खड़े हो गए मेरे। चलो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आ गया हूँ मैं मंदिर। ये देखो बड़ा ही छोटा सा और प्यारा सा मंदिर है। बेसिकली यहीं आना होता है, ये महादेव जी के दर्शन कर लो अभी के अभी। हेरा। और ये पंडित जी ऊपर रहते हैं पर पता नहीं शायद है नहीं कोई, मुझे आवाज़ लगानी पड़ेगी लगता है। भाई पंडित जी तो है नहीं, कई आवाज़ें लगा दी, कोई आ ही नहीं रहा। क्या करते हैं अब, महादेव जी पे जल चढ़ाते हैं, यहाँ से दूसरे मंदिर में चलते हैं, फिर वहाँ देखते हैं। तो भाई अब दूसरे मंदिर में आना पड़ा है। अब यहाँ पे देखते हैं कोई है या नहीं। यहाँ भी कोई नज़र तो आ नहीं रहा, मुझे तो लॉक लगा हुआ नज़र आ रहा है। अब कहाँ देखे आऊँ, मम्मी जी तो उठा के कह देती हैं कि जा। मैं अपना घूमता रहता हूँ ऑफिस के टाइम में भी, यहाँ भी लॉक। अब मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। अब भाई सबसे पहले आके ऑफिस का काम कर लिया, क्योंकि मैं कह रहा था ना उस समय कि मम्मी जी तो कह देती कि जा बेटा चला जा, पर उस टाइम ना दिमाग में ही घूमता रहता है कि ठीक है चले जाता हूँ, पर सबसे पहले ऑफिस का जो काम है वो देख लूँ कितना है, कितना निपटाना है। तो वो अभी बहुत सारा था, अब 1-1.5 घंटा वो निपटाया है। अब लगभग 12:30 बज चुके हैं और अब मैं गोली को लेने जाता हूँ और कोई भी नहीं मिला यार अभी मंदिर में भी, और वहाँ पर भी कोई नहीं मिला। तो इसको गाय को दे देंगे मावस का इस बारी, और जो पैसे हैं उनको हम लोग मंदिर में दान पेटी में डाल देंगे, तो ऐसे काम हो जाएगा। तो चलो हम मैं गर्वित को लेके आता हूँ, फिर करते हैं बात। क्या है? क्या है? ब्लैक सा। तो ये है भाई हमारे होमेक्स का नया बनने वाला शिवालय। इस शिवालय में होप सो कि महादेव जी की ही कृपा से ये वाला जो सावन आएगा, इसका जो पहला सोमवार होगा, इसमें शायद जल चढ़ जाएगा। तो फिर उसके बाद इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अपने यहीं पे सोसाइटी के ही मंदिर में हम लोग आ जाएंगे। और अब देखो ये बीच में ये होता है गितवाड़ा। ये जो भैंस और गाय का गोबर होता है ना, उसका यूज़ करके इस गितवाड़े को बनाया जाता है। और इसके चारों तरफ जो लेप किया हुआ है ना, वो भी इसी का गोबर का ही होता है। तो और फिर इसको यूज़ किया जाता है खाना बनाने और उन कामों में जलाने के लिए। रात हो गई है और ये चिट्टू मिट्टू ऊपर आ गए हैं। अब तो काम करते करते ऊपर आ गए। आज क्योंकि हमारा रिग्रेशन चलाने का दिन था, उसमें क्या होता है, क्योंकि जैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं तो उसमें जो भी हम सारी टिकट्स करते हैं, जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया था, जितना भी हम काम करते हैं उस काम को 15-16 दिन में दोबारा चेक करते हैं। तो आज सारे काम को मुझे दोबारा चेक करना था कि वो प्रॉपर तरीके से हुआ है नहीं हुआ है। तो 2 बजे बैठा था और अभी 7:30 हो चुके हैं। अभी उठाऊँ और बस अब ऊपर आया हूँ। ऊपर की ठंडी ठंडी हवा, सोनीपत की यही खासियत है। कम से कम यहाँ पे वातावरण तो ठंडा है और घर से काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, अपना काम करो और उसके बाद छुट्टी फ्री। हाँ कर लो, क्योंकि फैमिली के साथ टाइम बिताना क्वालिटी टाइम होता है। सही रहे। क्या हो, स्कूबी कहाँ है? और स्कूबी, हम अंधेरा हो चुका है, मैंने फ्लैश चला रखी है, उसमें हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है, जितना भी दिखाई दे रहा है, नहीं तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। कहाँ बिठाना है? इस पे अभी बिठाता हूँ, एक मिनट रुको। आजा तू, यहीं आजा, आ जाओ। सुगी इसको लेके आता हूँ, इधर आजा। अच्छा नीचे, इधर आजा। उसको कोई नीचे दिख गया, उन्हें बोल रहा है हाय। ये बैठे हैं गल्लो और मैं। हैं गल्लो, हाय कर दो। अभी पूरा अंधेरा है आजू बाजू, है ना गल्लो? अंधेरा है ना, पर हम फिर भी अंधेरे में बैठे हुए हैं। मैं झूला लूं। नहीं हो, हनुमान जी हो। मैं हनुमान जी हूँ, फिर तू चुड़ैल, मैं तेरी पिताई गद्दू गड्डी छोटी 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 छोटी। आई मार दिया रे, फिर दिया रे। एक ये वाली, यहाँ वाली पुच्ची भी दे दे यार। ओए नहीं, कैसे नहीं, चश्मा टूट जाएगा मेरा। कौन सी वाली? ये बेटा गाड़ी की आवाज है किसी, पों 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 पों। क्या बंद हो गया? वो बेटा किसी गाड़ी की आवाज थी, इसीलिए। देखो खड़े हो, इसपे अब खड़े हो गए। देखो और दिखा, कहाँ तक दिखाई दिया? दूर तक दिखाई दिया ना। वो देखो, वो देखो बाइक आ रही है। और कहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है भाई? वो देखो इंडिया का झंडा, वो लगा उस घर पे। उधर देखो, उधर देखो, वो देखो स्टार भी आ गया। वो देखो वो आ गया, स्टार आ गया ना, स्टार। हाँ, लेट के देखते हैं। अरे नीचे लेट के देखते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारी वो है ना, सीमेंट और वो है, लग जाएगी। और चीटी भी है बहुत सारी, घुस जाएगी तेरी छोटी सी नोजी और ईएल में। हैं? हाँ बिठा देते हैं। तो कर ले भाई मस्ती थोड़ी गोली के साथ। कैसे टीवी निकालना है? भाग गया ये डर के। चलो आओ नीचे चलते, चलो चलो भाई दोनों बच्चे, चलो।